आपका नाम? मंगीलाल मोरे। अच्छा, आप आज म्यूजियम देखने आए हैं, संविधान म्यूजियम, तो आपको माहिती जो मिला उसके अनुसार आपको कैसा लगा? ये जो अपना म्यूजियम है यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा। या मराठी बोलता हूँ, मला खूप या ठिकाणी छान वाटलं। आणि जो आपला म्युझियम आहे, या ठिकाणी जो आपला समानता हा कक्ष आहे, त्यामध्ये येऊन जे तुम्ही माहिती सांगितली खूप छान पद्धतीने सांगली आणि समजून सांगितले। आमचे जेवढे साथी आहेत, जे झुंजन पेलूचे साथी आहेत, त्यांनी खूप खूप छान पद्धतीने ते आत्मसात केले आणि खरोखर त्याचा फायदा सर्वांना होईल आणि आम्ही तो फायदा करून घेऊ आणि समानता प्रत्येक ठिकाणी आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। बस एवढं सांगू इच्छितो या ठिकाणी। आणि आमचे साथी राकेश आहे, बोलत आहे महाराष्ट्र में यहाँ पर जातीयता की जो प्रथा है महाराष्ट्र में बहुत प्रभावशाली रहा है और वहाँ पर जातीयता के प्रभाव पर जातीयवाद का जो विषय है वहाँ पर ज्वलंत विषय है। इस बारे में भी और आपका जो ये प्रयास रहा है यहाँ पर ये बनाने का, हमें लगा था कि यहाँ पर कोई पुरातन होगा, कोई जो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जो वस्तु होगी उनका प्रदर्शन होगा, पर हमने देखा कि आपने ऐसा संग्रह किया है कि इस संग्रह के माध्यम से हर छोटे बच्चे को भी उसका अधिकार, उसका हक, उसका स्वतंत्रता का सब जो संविधान में लिखा हुआ है वो सब मिल सकता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस तरह का कोई होगा ही नहीं, तो प्रयास ऐसा है कि हम सब मिलकर एक संगठन के माध्यम से, आपने जो प्रयोग किया है तो उस प्रयोग के माध्यम से हम भी महाराष्ट्र के जिले में, जैसे हम नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट और धुलिया डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करते हैं और हम सब सोशल एक्टिविस्ट है, हम भी सामाजिक प्रश्नों पर वहाँ पर काम करते हैं, जाति प्रथा पे काम करते हैं, वहाँ के महिलाओं के प्रश्नों पर काम करते हैं, स्टूडेंट के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरफ से हम ये सब प्रयास करेंगे कि और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इकट्ठा करके ऐसा एक प्रयोग हम महाराष्ट्र में करने का प्रयास करेंगे। और आपने जो किया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी गोसावी, मैं नंदुरबार से हूँ, मैं झुंझुनू फेलो का काम कर फेलोशिप में हूँ। जो आपका म्यूजियम है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको बनाया है, जो संविधान से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीजें हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में आपने उन्हें मतलब दिखाया है, जो बाहर से लोग आ सकते हैं वो एकदम सरलता से उसे अपने माइंड में फिट करेंगे और जो बाहर जाएंगे यहाँ से जो लेके जाएंगे बाहर उसे वो मतलब खुद के अंदर वो डाल सकते हैं और वैसे ही व्यवहार बाहर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और फेलोशिप के तहत जो संविधान के ऊपर काम कर रहे हैं हम या कुछ गाँव है, यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे प्रॉब्लम है या कोई भी बात हो तो काम करते वक्त इसकी मदद हम ले सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी 3 साल का जो फेलोशिप का प्रयोजन है या प्रोग्राम का नियोजन है उसमें साधारण 10 ग्राम पंचायत तक मेरा पहुंचने का प्रयास है और उसमें जो SDG के 17 गोल और 9 थीम है उसमें भी कहीं ना कहीं ये संकल्पना जोड़ी गई या इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो उसमें से 3 थीम जो है गुड गवर्नेंस है या पायाभूत होगी, जो हमारी संस्था रहती है वो कैसे बननी चाहिए, उसके साथ में जो लिंग समवाह बोलते हैं या स्त्री पुरुष समानता बोलते हैं तो उसके ऊपर हमें काम करना जरूरी है। और मेरा प्रयास यही है कि मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में तो काम कर रही हूँ लेकिन महाराष्ट्र के जो अदर डिस्ट्रिक्ट है या अदर ग्राम पंचायत है उसके ऊपर भी जाके जो भी मेरा सेशन या कुछ भी रहता है तो उसमें संविधान कैसे जोड़ सकते हैं, संविधान के तहत जो मूल्य या समानता है, हम अभी समानता के जो कक्ष में खड़े हैं यहाँ पर जैसा दिखाया गया है उसका भी मैं प्रयास करूंगी कि अच्छे से जोड़ सकूं। तो धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम माया मनोज पाटिल है, मैं स्वयं सहायता समूह से CRP का काम भी करती हूँ और एक उन्नत संस्था में संविधान फेलो का भी काम करती हूँ। मराठी बोल। कैसा लगा? हाँ, मला एकदम संविधान काय आहे ते इथं जास्त कळालं आणि कोणती कलम कुठे कुठे वापरली आहे हे सुद्धा कळालं। आणि पहिला मुद्दा म्हणजे जो जातीचा द्वेष इथं कशा प्रकारे बाबासाहेबांना पण त्रास मिळाला ते पण मला इथं माहिती जास्त मिळाली। आणि मला विशेष जी कब्बशी आहे ती तुटलेली का ठेवली हा प्रश्न जास्त होता, तर तो प्रश्न माझा इथं सवाल झालेला आहे। मला खूप
ताई तुम्ही मला मार्गदर्शन केलं, सरांनी गायडन्स, सर्वांनी गायडन्स केलं, त्याबद्दल मी तुमचे आभारी आहे. आपको कुछ कहना है? नमस्कार, माझं नाव प्रतीक्षा गौतम आहे, मी नंदुरबार जिल्ह्यामधून आले आहे. आपलं जे संविधानामधील जे पण कलम आहेत, जे आपल्याला मूलभूत अधिकार दिले आहेत, हक्क दिले आहेत, अधिकार दिले आहेत, ते आपण जेव्हा आपल्या स्वतःमध्ये रुजवू, आपण जेव्हा ते स्वतः आत्मसात करू, तेव्हा आपण जेव्हा जिथे काम करतो त्या गाव पातळीवर आपण ते जे आपण रुजवलेले मूल्य आहेत ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू आणि तेही ते मूल्य त्यांच्यामध्ये रुजवू, तेही त्याच्याबद्दल काम करतील व स्वतःच्या न्यायासाठी, हक्कासाठी स्वतः लढतील, स्वतःचे अधिकार ते स्वतः घेतील, एवढंच मला सांगायला आवडेल. थँक्यू. थँक्यू.